नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में अस्पताल के बाहर से दो गाड़ियां चोरी करने का मामला सामने आया है। बलेरो चालक नरेंद्र ने अपने पिता को अस्पताल में दवाई दिलवाने के लिए आया हुआ था। अपने अस्पताल के पीछे अपनी बलेरो गाड़ी में खड़ा हुआ था, लेकिन बाद में वह उतरकर कहीं चला गया और गाड़ी को अस्पताल के पीछे ही छोड़ दिया। जब वह दवाई दिलवाकर वापस पहुंचा तो वहां गाड़ी नहीं थी। आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो वहां पता चला है कि एक मुंह पर बांधे हुए कपड़ा एक युवक आया था जो बलेरो गाड़ी को चोरी करके ले गया। युवक ने पुलिस को शिकायत दी है। गौरतलब है कि फतेहाबाद में बीते दिनों से लगातार चोरियां हो रही है। इससे पहले भी कई बार बाइक चोरी करके ले जाते हुए चोर सरेआम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अब तो चोरों के इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि मोटरसाइकिल के साथ साथ बड़े वाहन भी चोरी होने लगे हैं। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। अपने पिताजी को ले गया जी हॉस्पिटल दिखाने के लिए, संजीवनी हॉस्पिटल फतेहाबाद में। तो मैंने गाड़ी कर दी बाहर खड़ी और पापा जी का ट्रीटमेंट करवाने लग गया था मैं। करीबन 2:15 बजे मैंने गाड़ी देखी बाहर आके, तो गाड़ी गायब थी जी। कोई आ गया चोर था, पता नहीं कौन था, तो गाड़ी मेरे को चुरा के ले गया जी। कौन सी गाड़ी थी? बलेरो 7 सीटर थी, वाइट कलर में, SLX 8462983 नंबर है। तो आप किस टाइम आए थे हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में आया था जी 12 के लगभग आया था। और आपने गाड़ी किस टाइम देखी? मैंने गाड़ी देखी जी 2:15 बजे तक। कोई CCTV में भी आ रहे है कोई? हाँ, CCTV में कोड है, उसकी वजह से पता लगा चाहगा जी कि 12:30 लगभग 12:15 के बीच में वारदात हुई है सर। ठीक है।